आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। स्वीट कॉर्न सैलेड बनाने के लिए हमें चाहिए एक प्याज, लार्ज साइज का मैंने काट लिया है, और हाफ शिमला मिर्च है काटी हुई, और ये कैरेट है, गाजर मैंने काट के रखे हैं, पतले पतले काट लिए हैं मैंने, और ये स्वीट कॉर्न्स 1 कप लिया है मैंने, और ये कुकम्बर है, खीरा खीरा काट के रखा है, आधा कटा हुआ खीरा है ये, और हरी धनिया चाहिए होगी, और ये पुदीना पत्ती चाहिए होगी, और नींबू लिया है मैंने, और एक हरी मिर्च ली है, और एक टमाटर चाहिए होगा, और सॉल्ट चाहिए होगा, और जीरा पाउडर, और ये काली मिर्च पाउडर चाहिए होगा, और ये मेयोनीज लिया है मैंने। आपको जो पसंद हो वो मेयोनीज आप यूज कर सकते हैं। अब हम एक बोल लेंगे, उसमें प्याज डालेंगे, एक गाजर ली है मैंने काट, वो डाल लेंगे, बारीक कटा हुआ खीरा आधा वो भी डाल लेंगे, एक टमाटर डाल लेंगे, आधी कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे, ये 1 कप स्वीट कॉर्न लिए हैं मैंने, उबाल के रखा था इनको, 2 कप पानी में डालकर इनको उबाल लिया था, थोड़ा सा नमक डाल के वो डाल लेंगे, 2 टेबलस्पून धनिया पत्ती ऐड कर देंगे, एक हरी मिर्च कटी हुई डाल लेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डाल लेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 2 टेबल स्पून मेयोनीज डाल देंगे, 1/2 टीस्पून या स्वादानुसार नमक डाल लेंगे, 1 टीस्पून नींबू डाल देंगे, नींबू का रस, 3 से 4 पुदीना पत्ती तोड़ के डाल देंगे बारीक बारीक, मिक्स कर लेंगे अब इन सारी चीजों को, मेयोनीज थोड़ा कम लग रहा है हम और डाल देंगे, 1 टेबल स्पून और डाल लेंगे, अब ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ती और डाल देंगे, अब पुदीना रख देंगे, पुदीना पत्ती। हमारा मेयोनीज स्वीट कॉर्न सैलेड रेडी है, खाइए खिलाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।